बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सारे दुआ कि साडे बहन भी अल्लाह ताला खुश रखे शादो आबाद रखे इसे दुआ नाल करदे आज दी वीडियो शुरू करन पहले छोटी जी गुजारिश करदे बहन भी मेरा चैनल आज से भी सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल आज से भी सब्सक्राइब कर लो तो बैल का बटन लाजमी प्रेस कर लो ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो तुहाडे तक बार वक्त पहुँचती रहे। करदे जी आज दी वीडियो शुरू। अज काम दे उत्ते पहुंचे हैं तकरीबन 9 बज चुके हैं तो सुबह की घड़ी लगी हुई है। मैं कह चलीए क्योंकि उत्तों छत तो पानी भी आना वा परनाले का वह भी हिसाब किताब लाना भी पानी जरा वा किसी पास लीक ना हो। और उस तो बाद इतने भी चैक कर रहे हैं आसे पास बारिश सुबह की शुरू है। हूँ भी बारिश के बच्चे घरों आया मैं अब कल चादर की मारी हुई मैं छतरी नहीं सी है लेकिन छतरी हूँ तो मैं लाजमी छतरी लैके आता पानी आ रहा थले पर नाले का भी ये भी हिसाब लाने भी पानी जरा भी आराम अगे जाके डिगे। बारिश सुबह की पै रही है जी पर नाले का पानी आ रहा उपरों सीधा थले तो यह भी हिसाब लाना भी इन सुबह तो थोड़ा थोड़ा पानी थे डिग रहा सारी जगह पोली हुई है जी सारी जगह पोली हुई हुई है जी पानी पै पा के भी हिसाब लाने पानी किधरों निकलेगा तो पानी का की बनेगा। छत चल के छत भी देखते हैं क्योंकि जो छत पाई है पहली दफा बारिश आई है सारा काम बाकी ठीक है सिर्फ इस का ही है। छापर में लैके आया मोटर वास्ते कि जरा मोटर का मोटर तक ढकिया रात ढक जाइए मोटर अंदरों मकान भी चेक करा अज भी किसी पास कोई मकान बारिश के नाल चौंदा तो नहीं है कि हल्की हल्की बारिश सुबह की शुरू है जी। फिलहाल कमरा बरामदा हर चीज़ शुक्र मालक दा किसी पासों कोई टेंशन नहीं है। पीछे वाला कमरा ये भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी क्योंकि बारिश पै रही पहली बारिश है तो पहली बारिश के बीच चेक तो करना जरूरी है कसर तो कोई छी छी हुई लेकिन चेक करना जरूरी है ना जी। किचन आ जाने सारा कुछ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है जी। बारिश पै रही है पानी परनाले जो बाहर जा रहा यह किचन की स्लैब आ जी राती असं ला गए हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके जोड़ बैठे हुए हैं जी। रात भी काफ़ी नेरा हो गया सीगा फिर चले गए तो हूँ आए हैं बाकी जी लाने भी हिसाब किताब बारिश का सब तो पहले थे क्योंकि ये जरूरी है करना काम बारिश वाले परनाले वाला। अच्छा जी छत पक्की है छत पक्की करने करके बारिश आई है तो मतलब पानी टाइम ना ही थले आना शुरू हो गया तो अक भाई ने मैं क्या मेरी मोटरसाइकिल रात जो मोटरसा लै गया हो अक भाई ने मैं क्या मैं मेरे मोटरसाइकिल लैके आ तो अपन शहर चलीए शहरों फिर लैके आने जी एक एल्बो वो उत्थे परनाले दे नाल लाने उत्ते एल्बो एल्बो ला के तो पानी जिहड़ा ना इस साइड इत्थे कढ दे थले गटर रख देंगे पानी गटर उत्ते डिगदा रहूगा यानी कि गटर तो पानी फिर साइड तो डिगेगा क्योंकि जो गटर प्लस्तर हो जाएगा पक्का हो जाएगा जिते नाल थोड़ा थोड़ा थले बजरी पा देंगे ताकि पानी जिहड़ा नाल ना जाए पानी अगे आ जाया करेगा। फिलहाल पोली जगह सारा पानी थले इतने जा रहा है इस जगह पर चलते हैं जी बाजार लैके आने पहले एल्बो एल्बो लिया के यदा तो काम पक्का करिए फिर प्लंबर भाई ने फोन किया मैं क्या भाई आके ना सानू मोटर खोल दियो मोटर जुम्मे रात का दिन है झड़ी लग गई है कल जुम्मा वैसे छुट्टी है तो अभी भी छुट्टी है दो दिन देखो अगो बारिशों का की बनता की नहीं बनता जुम्मे रात की झड़ी लगी फिर हर दिन बारिश नहीं हटती बाकी अल्लाह ताला अपना रहम करेगा जी देखते हैं सब तो पहले बाजारों एल्बो लिया के एल्बो लाने के उत्ते
बारिश का माहौल फुल बनया हुआ जी, फुल बारिश पै रही है फतेहपुर शहर के जी। शहर आ गए कितों लैनी असी एक एल्बो लेनी है, एल्बो लेने और होर चीज़ कुछ देखते हैं, कुछ चीज़ लैन वाली हुई तो वह देखते हैं। बारिश पै रही है फिलहाल, तो बारिश के अच्छा जी चेच मुस्तफा भी आ गया हुआ है, अक भाई भी तुरे आ रहे घर मोटरसाइकिल खिलार के आए, अगर मेरे नाल ही गए हुए थे बाजार। तो बारिश का मौसम कुछ उस तरह ही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। तक मैं अगर दसिया जमेरात का दिन, तो जमेरात दिन की झड़ी लगी हुई तकरीबन अठ दिन जड़े ना झड़ी रही है। तो साड़ी छत के उपर असी की हुई है ग्रोट, यदि पाउडर और सीमेंट की, पाउडर और सीमेंट जोड़ा ये पानी नहीं जज़ब करता है, और जिदा थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा व छत के उपर उदा ही कतरा कतरा जो बाहर निकलता आ रहा, सामने थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा पानी। तो चाचू मुस्तफा ने मैं क्या भी तुम जाओ उत्ते, ठीक है अक भाई वो ना लियाओ एल्बो अंदर पई है, चमुरसा फड़ाओ सीढ़ी नहीं चलो इधर की चाड़ी उत्ते जाओ उत्ते चढ़ के, तो एल्बो भी दे दौ तो वह भी दे दौ, पैप भी दे दौ ना पैप च फसा के तो उपर नाल ला देंगे। पाउडर और सीमेंट की ग्रोड करन दा फायदा यह होंगे जी कि देख सकते कि कोई परनाला फिलहाल नहीं चल रहा, लेकिन साढ़े छत का परनाला चलता पाया, जिहड़ा भी थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा उपरों जिहड़ा नाल नाल टुर आ रहा। आवाज़ टक 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 दी परनाले दी आ रही है, बस माड़ा जहा आसरा ही करना गे। थोड़ा थोड़ा पानी कतरा कतरा इतने गिरी जा रहा, तो नाल इतने गटर चा रहा है। हाँ जी बारिश निकी निकी आ रही है ना, थोड़ा थले कर दियो अगों, होर थले कर दियो अगों, इतने बस ठीक है, बस ठीक है, चल जी बस ठीक है। इतों पानी आंदा रहेगा ना, इधर साइड से गटू रख दें, तो गट्टू तो पानी इधर जाता रहेगा अगे। हाँ जी गट्टू बिछा देने थले, जिते पानी डिगता पानी तो अगर इधर फिर निकलता रहेगा, तो बाद फिर देख लवेंगे। तो छत की पोजिशन है, छत ठीक है, थलों सारे चम छत चेक कितिया थलों सब ठीक है, क्योंकि पहली दफ़ा बारिश आई है ना अज छत पाने बाद भाई सीमेंट वाला गट्टू इदा पा दौ पानी, हाँ उत्ते अगे होर पा दौ, डबल कर गट्टू पा दौ जगह जिते जिते मिट्टी पाई सारी उत्थे तक पोली हो गई है। नहीं पिछली साइड पाओ, पिछली साइड पिछली साइड पाओ गट्टू है इतने, चलो जी हम पानी डिगेगा ना, एक सीमेंट वाला गट्टू उतरा दौ, एक गट्टू जो पानी लीक हो जाता थले वो सीमेंट वाले गट्टू जो नहीं होंगे। चलो जी ले बस इन्ना ही काम से, इतों गट्टू तो पानी नहीं डिगता दीवार के नाल भी नहीं जाएगा जब तक पक्का नहीं होंगे, तो अगे आ जाएगा। ठीक हो गया ना हूँ, चलो ये हो गया, ये तो टेंशन मुक्की हूँ बारिश की, जरा पानी नाल नाल आ रहा है इसकी टेंशन भी खत्म हो गई है। चलो जी आ जाओ जी आराम सुकून आ जाओ थले, अच्छा जी इतने अंदर आ गए कमरे के, ये दवाई है बच्चे लैके आँदी, ये लैके आँदी जी टाइल ब्लैक शीशा नज़र आती है। अक भैया पैप चक के अंदर रख दो ना, फिर रख के इतने टाइल चेक कर दें, पैप अंदर खड़ा कर दो कोने के, हम कल लावांगे फिर हम चेक करांगे अंदर कर दो। अच्छा जी स्कॉटिंग के पीस लैके आते रख के चेक करने वास्ते, इतने नाल लाने देखते हैं भी कैसी लुक देंगे जो ब्लैक पीस। अच्छा ध्यान है जो थले ना डिग जाए, हाँ उन्हें तीन पीस आए हैं जी, एक पीस दो फुट तो ज़्यादा, आप फिलहाल मेरे बरामदे ब्लैक लानी है, तो हम जिन्ने के पैसे होने उस हिसाब न ही चलना है ना।
रब ने दे तो देने, अल्लाह पाक ने दे तो देने अपने खजाने, अल्लाह पाक के खजाने जो कमी आ। वैसे मैं गल करदा फिलहाल साडा बरामदे दे विच लाउण दा प्रोग्राम आ ब्लैक, वो जी ग्रे पई भी जो झुरा के चैक करो तो मेरे भैन भाई देखन जी फैसला अज होएगा। काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे कि अस भाई स्कॉटिंग ब्लैक लाया जी, ये दो कलर लगे खड़े है जी इत, एक तो असी ब्लैक ला दिता तो दूसरा जोड़ा ग्रे नाल लाने लगे, ग्रे भी बिल्कुल मैच करता नाल और ब्लैक भी करता। वह तीन टैल रख दो नाल, अगर तीन टैल पे तीन ही है तीन ही दो फुट, ये मेरे ख्याल कहता 26 इंच है, ये 2 फुट नो 2 इंच वादा। हाँ जी ये 9 इंच आ, ये 6 इंच 7 इंच आ, ये 7 इंच आ, 9 इंच आ। अच्छा जी एक कलर ग्रे लगा हुआ जी तो दूसरा लगा हुआ ब्लैक, तो यह हम डिसाइड करते हैं जी कि लानी चाहिए है। फिलहाल बरामदे का प्रोग्राम आ भी बरामदे के स्काटिंग असी लानी है, अगर आप हिम्मत दिता तो असी अंदर ला लवेंगे ना ब्लैक ला लेंगे अंदर वाली साइड पर, लेकिन यह है भी लावे जरूर लेकिन करा कि ना लेंगे सेंटर चो कटा के 2 पीस करा लाँगे, 2 हो जाएंगे सेंटर चो कटा के जेडे ठीक है, इन्नी बड़ी हो जानी है काफ़ी हो जानी है। अगर ग्रे भी लाइए अस ग्रे लाइए तो ग्रे तो 2 पीस हो जाने हैं। हाँ जी ग्रे चलो देख लें की करते, चलो अच्छा देख लें भी अच्छा जी। टैल 2 रख के अपने भैन भी चेक करा दती, एक ब्लैक और एक ग्रे है, इन दोवों के अज कमेंट लाजमी दसना कि दोनों ची कि ज़्यादा खूबसूरत लगती है तो कि स्कॉटिंग लगाइए घर के लाइए ग्रे लाइए या ब्लैक लाइए। बाकी वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी, चाहूँगा अपने भैन भी को इजाजत, दोबारा कने वीडियो होवेंगे हाजिर, खुदा हाफिज़।